अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। असास प्रोग्राम, असास कफालत प्रोग्राम, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और वसीला तलीम प्रोग्राम के हवाले से नई अपडेट और मुकम्मल तफसीलात आप लोगों को हम फराहम करेंगे, जो कि रमज़ान शरीफ में सब्सिडी के हवाले से है और इसके साथ 10,500 की किस्त और ऐसी तमाम बेनिफिशरी जिनके बैंक के हवाले से इशू आ रहे हैं, जैसे कि पहले HBL और अलफला चल रहा था, अब इसके साथ 6 बैंक का इजाफा किया गया है। इसकी मुकम्मल अपडेट फराहम करेंगे, उससे पहले गुजारिश करेंगे हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो मुकम्मल देखी करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर किया करें दोस्तों को, ऐसे तमाम गरीब लोगों को जो कि इस प्रोग्राम में शामिल होना चाह रहे हैं। तो उससे पहले ये अपडेट फराहम कर दें कि ऐसे तमाम ख़ानदान जिन्होंने डायनामिक सर्वे अभी तक नहीं कराया, वो डायनामिक सर्वे कराएँ, क्योंकि ये डायनामिक सर्वे कराने के लिए हम आपको इसलिए अपडेट फराहम करते हैं कि अब ऐसे तमाम ख़ानदान जिनके घर में ऐसी तमाम ख़वातीन हैं जो कि जिनके शौहर फौत हो चुके हैं, बेवा है, लेकिन वो अभी तक शामिल नहीं हो सकी, तो उन लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि उनका डायनामिक सर्वे जैसे ही होगा तो उनका स्कोर अभी हमें जो अपडेट मौसूल हुई है उनका 32 स्कोर से बढ़ाकर 37 स्कोर कर दिया गया है, तो वो अपना डायनामिक सर्वे करा लें ताकि ऐसी तमाम बेवा खवातीन को एहसास कफालत बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम में शामिल किया जा सके। डायनामिक सर्वे कराने के लिए आपके पास असल शनाख्ती कार्ड और इसके साथ बच्चों के बे फार्म और इसके अलावा बिजली का बिल, बिजली का बिल आप लोगों को इसलिए ज़रूरी होता है या गैस का बिल, क्योंकि आपको कोई भी सब्सिडी फराहम की जाती है बिजली पर या गैस के बिल पर तो आपको ये सब्सिडी फराहम की जाएगी, तो आप लोग ये लेकर जाए और ऐसी तमाम ख़वातीन ज़रूर डायनामिक सर्वे करा लें, क्योंकि अब आपकी लिमिट 32 से 37 स्कोर पर कर दी गई है। और इसके साथ ऐसे तमाम ख़ानदान जिन्होंने अभी तक डायनामिक सर्वे नहीं कराया वो डायनामिक सर्वे ज़रूर करा लें, क्योंकि अब हुकूमत पाकिस्तान और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से जो नई अपडेट जारी की गई है उसके मुताबिक अगर कुछ ख़ानदान अहल हो जाते हैं तो उनको अहल घरानों को जो नए 2024 में अहल हो रहे हैं उनको जुलाई में किस्त फराहम की जाएगी फर्स्ट, और जो अभी अहल 93 लाख है उनकी किस्त जुलाई तक जारी रहेगी, अगर उनका स्कोर बढ़ेगा तब भी उनको ये किस्त फराहम की जाएगी, जो जून में किस्त फराहम की जानी है और जो अभी फरवरी मार्च में किस्त फराहम की जानी है, तो वो फौरन तौर पर अपना डायनामिक सर्वे कराए, ये इंतज़ार ना करें कि क्या हमारे रकम रोक दी जाएगी, तो ऐसी कोई बात नहीं, आप फौरन तौर पर अपना डायनामिक सर्वे कराए ताकि आपकी अहलियत बरकरार रहे। इसके साथ आपको ये बता दें कि जो सब्सिडी के हवाले से अपडेट हमें नई अपडेट मौसूल हुई है, रमज़ान शरीफ में आपको 19 शाह पर सब्सिडी फराहम की जाएगी, जो कि इस वक्त यूटिलिटी स्टोर पर बजट जारी कर दिया गया है जिसके हवाले से हमें अपडेट मौसूल हुई है, तो ये अपडेट मुकम्मल तौर पर है और इस पर हतमी अपडेट ये अभी नहीं फराहम की गई पर इसकी कीमत कितनी कितनी कम की गई है, तो इसकी जैसे ही नई अपडेट फराहम होगी हम आपको ज़रूर फराहम करेंगे। और इसके साथ आपको ये बता दें कि जो 10,500 की किस्त और बच्चों के वजीफे हैं ये फरवरी की 28 तारीख तो लेकर मार्च की 2 तारीख तक जारी कर दिए जाएंगे, ये नई अपडेट है, तो आप लोग अपना डायनामिक सर्वे करा लें ताकि आपको किसी मुश्किल में ना हो सके। बैंक अकाउंट के हवाले से ये अपडेट है कि ऐसे पहले 2 बैंक काम कर रहे थे, अब 2 बैंक HBL और अलफला के अलावा 6 बैंक में इजाफा किया गया है, जिसमें मोबलिंग बैंक है और पंजाब बैंक है, इसके साथ आपको नेशनल बैंक और टेलीनॉर मैक्रो फाइनेंस बैंक है। इसके साथ आपको ये बता दें कि इजाफी बैंक जो हैं ये अब 8 बैंक कर दिए गए हैं, जिससे आप लोगों को रकम लेने में आसानी होगी और आपको कोई मुश्किलात नहीं आएगी, तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको नई अपडेट इसी चैनल पर फराहम कर सके। अल्लाह।